15 अगस्त का जो फेस्टिवल है हम लोग मनाते हैं, तो हम आज हमारा जो ऑफिस है देखा जाए सब जगह बंद है, पूरी मार्केट बंद है, पूरा सागर मार्केट बंद है। और मार्केट में कल कई सारे ऐसे लोग थे जो लोग हमको भी सलाह देगा कि आप भी बंद कर लो, इसलिए नहीं बंद कर लो कि मतलब मार्केट बंद है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, बस यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन अगर ये हमारा ना बंद करने का सबसे बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हम लोग इसको कभी एक दुकान लेकर के नहीं चलते या कोई एक शॉप लेकर के नहीं चलते या कोई छोटा सा ऐसा काउंटर लगा करके नहीं बैठे हुए कि हम लोगों को जो भी कस्टमर आए उनके मोबाइल फ़ोन रिपेयर करें या कुछ ऐसा कोई सिस्टम। ये हमारा एक एजुकेशन पद्धति है, मतलब एजुकेशन प्रणाली है कि जहाँ पर लोग आते हैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए कि आज मैं आपको मिलाना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मेरे पास कैलाश जी हैं जो नैनीताल से इतना दूर से मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, जो हल्द्वानी के रहने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए इसलिए विचार बनाया क्योंकि उन्होंने सोचा कि सर इस लाइन में हमारा एक फ्यूचर है, हम इस काम को इस उम्र में इस काम को इसलिए सीख रहे हैं ताकि आज से एक जगह जब हम कल जाएंगे आगे लाइफ में जब आगे हमारा समय आएगा तो हम उन लोग उस पर टोटली डिपेंड होंगे। जब टोटली डिपेंड होंगे तो फिर हमारा एक फर्ज बनता है कि हम लोग भी स्टूडेंट को सपोर्ट करें। और इसीलिए मेरा आज एक ये रहा कि आज हम लोगों ने छुट्टी का कोई प्लान नहीं रखा क्योंकि 26 जनवरी 15 अगस्त को हम कभी नहीं छुट्टी रखते हैं, बाकी किसी दिन रख लें तो ठीक है अलग बात है, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त को नहीं रखते क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में आता है और हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पर क्या होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में इनकम को जनरेट कर रहे होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन जब किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं सीखने के लिए तो वहाँ के वो क्या होते हैं, एक स्टूडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। और जब स्टूडेंट और टीचर दोनों का भाव एक दूसरे का एक ही जैसा होता है कि स्टूडेंट का भाव स्टूडेंट जैसा होना चाहिए और टीचर का भाव टीचर जैसा होना चाहिए, तभी एक दोनों लोग एक दूसरे को सिखा सकते हैं, है ना। और जब एक दूसरे को सिखाते हैं तो वही नॉलेज लेकर के वही जानकारी लेकर के हम भविष्य में आगे काम करते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कभी छुट्टी का नहीं रखा क्योंकि कल रात में जब मैं यहाँ पर 9:30 बजे ऑफिस ऑफ किया था तब एक लोग आए तो उन्होंने सलाह दिया था कि भाई इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, उन्होंने एक ऐसा हमको सलाह दिया। तो हमने कहा कि यहाँ पर पैसे कमाने वाली बात नहीं होती, यहाँ पर बात क्या रहती है, सीखने की। दूसरी बात क्या रहती है, बात ये रहती है कि विश्वास की। और हम लोग जब इस लाइन में जुड़े हैं, इस लाइन में काम कर रहे हैं तो अपने देश के लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए कि हम देश के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खाते हैं, जहाँ पर पीते हैं, जिसके लिए जीते हैं, अगर उसी के लिए ना कुछ कर पाएं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन करके या कोई सेना में भर्ती हो करके या किसी भी तरीके से जा करके वो देश की सेवा करे। आप देश की सेवा घर से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा समाज स्थापित करके, समाज में अच्छा काम करके, लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रख करके और एक अच्छी तरीके से काम करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि एक घर में अगर रहने वाले अगर 10 लोग हैं तो 10 में से मुझे लगता है कि हर घर में से 10 के 10 लोग नहीं कमाते, 3 लोग कमाते हैं जिसमें से 7 लोग खाते हैं, होता है कि नहीं होता। लेकिन जो 3 लोग कमाते हैं और 7 लोग खाते हैं तो इसके बाद जो 7 लोग जो घर में रहते हैं वो भी कोई घर में पड़े पड़े सोते नहीं हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब आप बाहर से कमा करके लाते हो तो आपके लिए घर में खाना बनाते हैं, आपको खिलाते हैं, नहीं तो आप खाना नहीं खा सकते। तो कहीं ना कहीं दोनों मिल करके ही काम होता है। तो जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए समर्पित हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी एक समाज में रह करके बढ़िया अच्छी तरीके से काम कर सकें। और आप लोगों के लिए मेरे लिए एक संदेश जाता है कि आप सभी लोग एक समाज में एक अच्छी तरीके से रहें, बिना देश के, बिना एक दूसरे के लड़ाई झगड़े के, बिना एक दूसरे के सिस्टम में परेशानी से हो करके अपने लाइफ में आगे मिशन की तरफ काम करें। हमेशा ज़िंदगी में एक दूसरे से परेशानी तब होती है जब आदमी एक दूसरे के प्रति सोचता है, कैसा सोचता है कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। आप लोग जो सीखने के लिए आए हो तो उस काम को पहले सीखो, सीखने के बाद आप अपनी लाइन पे काम करो। अगर आप मोबाइल फ़ोन सेक्टर में हो तो मोबाइल फ़ोन सेक्टर लाइन में काम करो, जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करो। जब आप उनको अच्छी तरीके से सर्विस दोगे, अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करोगे, अच्छी तरीके से काम करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहली बात अच्छी तरीके से सीख करके जाना है और कंप्लीट तरीके से आगे काम करना है।
और आज 15 अगस्त है, जैसे हमारे देश के लिए फेस्टिवल है, तो इसी फेस्टिवल को हम लोगों को साथ साथ एंजॉय करना है और अपने देश के लिए जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को हम सब लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए। जाने गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रावीड़ उच्च कली गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल चलत तिरंगा, जब शुभ रामे आगे तब शुभ आश समागे, जाहे प्रभु जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 इंकलाब इंकलाब इंकलाब। तो सभी दोस्तों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ईटेक परिवार से या ईटेक फैमिली की तरफ से जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी विशेष। और आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ये 15 अगस्त का फेस्टिवल हम लोगों ने मनाया है, कल को जब आप लोग अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपने यहाँ पर रहेंगे, तो इसी तरीके से फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसके लिए जब आप एंजॉय करेंगे तो एक अलग ही जोश रहता है। कहते नहीं है अपने घर के लिए तो हमेशा जीते हैं, लेकिन देश के लिए भी जीना है, क्योंकि अगर हमारा देश है तो हमारा घर है और हमारा घर है तो हम है ना। और आज सबसे पहली बात है कि मैं एक आपको कैलाश जी से भी मिलाना चाहता हूं और पुष्पेंद्र से भी मिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे बैच के फिलहाल सारे स्टूडेंट लोग सीख करके चले गए हैं पिछले बैच के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं ऑलरेडी। और मैं अपने कैलाश जी से मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज सबसे पहली बात है, वो हमेशा हमको इसलिए भी याद रहेंगे क्योंकि वो आज 15 अगस्त के दिन मेरे पास आए हुए हैं। पिछली बार मेरे पास 15 अगस्त को आए थे हाकिम, हाँ हाकिम जी के स्टूडेंट थे वो लोग, 15 अगस्त के मेरे पास आए थे और पूरा कंप्लीट सीख के गए थे, और आज मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की दुकान भी चला रहे हैं। तो कैलाश जी सर, आप अपने बारे में बताइए, और इन्होंने ऑलरेडी पहले टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम इन्होंने शायद PMKY में भी सीखा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट आया था, लेकिन वहाँ पर था कि बस सीख लिया लेकिन समय व्यतीत हो गया, जानकारी नहीं मिली, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिली, लेकिन आज यहाँ पर पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग सेंटर के लिए हमारे पास ज्वाइन किया है। कम से कम मेरे यूट्यूब चैनल से साल दो साल कितने साल तीन साल से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी सीख रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे पास फिलहाल आए हुए हैं ताकि सीख करके अच्छी तरीके से काम करना है। इन्होंने वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे टूल्स हैं, काफ़ी औजार हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उनको भी खरीद रखा है, लेकिन अब रही बात है कि हम सामान तो कुछ भी ले लें, लेकिन अगर हमारे पास जानकारी नहीं होती तब भी हम उस अभाव पे काम नहीं कर पाते। जैसे आपने तो ले लिया फोर व्हीलर ले ली, लेकिन अगर आपको चलाना नहीं आता, भले ही वो 6 लाख की हो, 36 लाख की हो, लेकिन वो बेकार है, वो एक डब्बा है क्योंकि हम उसको कहीं ले नहीं जा सकते हैं। तो कैलाश जी सर, आप अपने बारे में बताएं और थोड़ा सा कि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। मेरा नाम कैलाश कॉलोनी है, मैं उत्तराखंड से हल्द्वानी शहर से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। जॉब करके बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जॉब तो करनी आदमी को चाहिए नहीं, यह सोचो कि भैया अपना बिजनेस करो, क्योंकि जॉब में बहुत प्रेशर होता है, हर किसी की सुननी पड़ती है वहाँ। कितने साल सर आपने 10 साल मैंने जॉब करी, 10 साल से मैं वहाँ सेंचुरी हमारी वहीं बोट प्लांट में पेपर बनाती है उस कंपनी में हूँ। तो मैंने सोचा यार बहुत जॉब कर ली है, अब बिजनेस देख रहा था मैं, करीब 6 महीने से सर से बात कर ही रहा था मैं कि अब जाऊँगा अब जाऊँगा, नहीं जा पा रहा था, तो इस बार मैंने मन बना के आ ही गया मैं 15 तारीख को। और आप रिपेयरिंग का क्या क्या सामान है आपके पास? मेरे पास एयरगन है और बाकी ये टूल हैं,
टूल है, तो क्या क्या रिपेयरिंग कर लेते हो आप अपने मन से? जैसे मैं सर जैक वैक लगा लेता हूँ और फोल्डर वोल्डर लगाता हूँ, सही से नहीं लग पाता है। जैक है, फोल्डर वगैरह काफी काम कर लेते हैं। दूसरी बात क्या, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी आज जॉब पे हैं, और सर ये खाली आप ही की कहानी नहीं है, ये हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों के साथ में ऐसा है कि लोग आंख मीच करके नौकरी पे लग जाते हैं, आंख मीच के नौकरी पे लग जाते हैं, बस वो नौकरी के सिस्टम में फंस जाते हैं, बस नौकरी के सिस्टम में नौकरी 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 करते रहते हैं। अब उसके चक्कर में मान लिया, मैं कहता हूँ कि अगर कोई आदमी अगर बिहार से रहने वाला है, उत्तराखंड का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, हरदोई का रहने वाला है, कहीं का रहने वाला है, वो जब नौकरी जब उसको लगती है तो उसको कभी अपने घर पे नहीं मिलती या घर के आसपास नहीं मिलती, ऐसा बहुत कम होता है। वो लोग नौकरी करने के लिए सूरत, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा, गुजरात, कहीं दूर दूर से पैसे कमाने के लिए जाते हैं। जब पैसे कमाने के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या, वो अपना वाकया बताते हैं कि सर मुझे वहां पर 15,000 रुपये मिलते हैं, 20,000 रुपये मिलते हैं, 22,000 रुपये मिलते हैं। उस 20-22 हज़ार रुपये में अपना खर्चा भी चलाना होता है, वहाँ रहने का, खाने पीने का सब कुछ मिला करके अगर 20,000 रुपये मिलता है तो तुमको 5-8 हज़ार रुपये तुमसे वहीं छुड़ा लेंगे, 12-14 हज़ार रुपये बचेंगे। उसमें 12-14 हज़ार में घर के अगर एक दो चक्कर लगाओगे तो 1,000-2,000 रुपये उसमें ट्रेन में चले जाएंगे, बस में चले जाएंगे, तुम्हारे पास 8-10 हज़ार रुपये हाथ में आएगा। उसके बाद फिर वहां पर तुमने 1 साल नौकरी करी, 2 साल नौकरी करी, 10 साल नौकरी करी, और 10 साल नौकरी करने के बाद जब आप नौकरी छोड़ते हो तो जैसे ही आप जीरो गए थे फिर जीरो आ जाओगे, नीचे टे जीरो। लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर होता है, स्किल होती है, तो स्किल के बेस पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आपके हाथ में हुनर है और सैमसंग कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, वीवो कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कल को अगर आपकी नौकरी छूट जाती है कोई टेंशन नहीं, आपके हाथ में हुनर है, आप आकर के अपने क्षेत्र में काम कर सकते हो। क्योंकि मोबाइल फोन का काम ऐसा नहीं कि जब किसी कंपनी में जाओगे तो ही चलेगा, आप किसी घर में बैठ के बैठ जाओगे तब भी आपका काम चलेगा। मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे मेरे बच्चे हैं जो आज मोबाइल फोन का समझ लीजिए रोड पे टेम्पर का काउंटर लगाते हैं। एक मेरे पास विवेक करके स्टूडेंट था जो गोरखपुर का रहने वाला था, टेम्पर लगाता था, टेम्पर रोड पे काउंटर पर लगाता था, 1,000 रुपये का रोड टेम्पर लगाता था। बाद में उसने अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखा, सुबह 8 से 10 का बैच लेता था, 10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक टेम्पर बेचता था, और आज उसकी कानपुर के अंदर मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की बहुत अच्छी दुकान है। पूरा कोर्स किया, कोर्स सीखने बाद उसने दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद आज उसका बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। क्यों करने के लिए आएगी तो हम लोग उसको बना करके देंगे। अच्छा, हमारे पास जब नॉलेज होगी तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास ढूंढते हुए आएंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपसे काम कराएंगे, आपके ओरिज में पैसा देंगे, आप जितना अच्छा सर्विस देंगे उतना अच्छा लोग आपके पास आएंगे। और अपना सर्विस का लाइन होता है, इस सर्विस के लाइन में जो हमारा खर्चा होता है वो बहुत कम होता है और प्रॉफिट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सर्विस का लाइन है, इसमें हमारा, हमारे हुनर का, हमारे सर्विस का, हमारे गट्स का, हमारे क्वालिटी का, उस चीज़ का हमको पैसा मिलता है, ठीक है ना। इसलिए सर्विस हमको बहुत अच्छी रखनी है और आप लोगों को यहाँ से बहुत अच्छा सीख करके जाना है और बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। तो ये 10 साल काम सर्विस करने के बाद, सर आपने जैसे 10 साल नौकरी करी, 10 साल नौकरी करने अभी जॉब पे हो, छोड़ दिया है जॉब में, सर ने छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, तो अब आपको कितना पैसा मिलता है वहाँ से? वहाँ से नहीं मिलता, वहाँ से कोई पैसा नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। तो मतलब क्या है कि जैसे पहले गए थे जीरो थे, आज फिर वापस लौट कर गया तो कोई पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नहीं है। अब आज मैं आपको बताऊँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो हुनर हैं, काम अपनी दुकान चला रहे हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप बहुत अच्छी चल रही है, आज उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुकान चल रही है, उन्होंने अपनी दुकान पर लड़का रखा हुआ है, उनको 15 साल हो गया 20 साल काम करते करते। 15 साल 20 साल काम करने का मतलब समझते हो कि आदमी, कोई भी आदमी है अगर वो सफल आदमी है, अगर काम कर रहा है मैं कह रहा हूँ, एक छोटी सी आपने दुकान खोली, उस दुकान खोलने के लिए आप पैदल जाते थे, फिर उसके बाद साल दो साल बाद साइकिल से जाने लगते हैं, फिर आप मोटरसाइकिल से जाने लगते हैं, फिर आप फोर व्हीलर से जाने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है आप फिर आगे जिस दिन 4 पहिया से जाएंगे उस दिन कभी मोबाइल फोन रिपेयरिंग में चार्जिंग कनेक्टर लगाने नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूँ गारंटी के साथ में, आप चार्जिंग कनेक्टर लगाने नहीं जाएंगे तो उस समय पर आपका लेवल बहुत बढ़ चुका होगा, आप कम से कम 10,000 लोगों को चार्जिंग कनेक्टर बेच रहे होंगे, या आपके सामने 4 आदमी बैठ करके चार्जिंग कनेक्टर लगा रहे होंगे और आप उनका पैसा ले रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, आप जॉब क्रिएट कर रहे होंगे, ना कि आप काम के लिए खड़े होंगे, है ना। क्योंकि आदमी जब कोई भी काम करता है तो दिन पर दिन तरक्की करता है, दिन पर दिन आगे बढ़ता है। एक भगवान ने, कुदरत ने एक ऐसा दिया हुआ है, तोहफा दिया कि कोई भी चीज़ जब पैदा होती है तो बढ़ती है, कोई भी चीज़ जब पैदा होती है तो बढ़ती है। जब बच्चा भी पैदा होता है, छोटा होता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको कुदरत ने ये चीज़ दी हुई है।
तो आप जब लोग कोई भी काम को सीख करके अच्छी तरीके से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे दिन पर दिन जब आपकी ग्रोथ करेगी तो आप भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। बस आपको ये करके रखना है कि आपको अच्छी तरीके से काम करना है, एक साफ नीयत के हिसाब से काम करना है कि कभी किसी को कोई दिक्कत ना आए। हमेशा कभी भी काम करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे कि सामने वाले को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को परेशानी होने का मतलब होता है आप उस चीज़ को महसूस करो कि जो उसको महसूस हो रहा है। अगर आपने किसी मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगा दिया और आपने 80 रुपये ले लिया, अगर 2 दिन बाद चार्जिंग कनेक्टर खराब हो जाता है तो ये यहाँ पर ना तो उसकी कमी है ना तो तुम्हारी कमी है, लेकिन तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए। आप फिर से उसको ठीक करके दो, आप उससे पैसा मत लो। अगर आप उससे पैसा ले लेते हो सकता है कि आपको बेशक पैसा दे जाए लेकिन आपका वहाँ पर एक अच्छा नेचर नहीं हुआ, वो दोबारा आपके पास फ़ोन ठीक कराने के लिए आएगा लेकिन वहाँ पर आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया, ये नहीं व्यवहार किया कि आपने वहाँ पर पैसा, अगर आप दोबारा पैसा नहीं लेते हो तो वो आदमी हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपके पास कायल रहेगा। वो 80 रुपये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने उसको काम करके दिया। अच्छा, कोई भी कस्टमर जब आपसे आकर के आपसे बहस करता आकर के, तो बहस करने का मतलब समझ रहे हो, बहस करने का मतलब ये रहता है कि वो आपसे इसलिए बहस कर रहा है क्योंकि आपको जानता है। आदमी जिससे भाई मोहब्बत होती है उसी से लड़ता है, और जिससे मोहब्बत नहीं तो काहे से लड़ेगा भाई। आदमी अपनी ही बीवी को तो चांटा मार सकता है, दूसरे को थोड़ी ना मार सकता है, दूसरे को मारेगा दूसरा आदमी मारेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसी से लड़ाई होती है, जिससे मोहब्बत नहीं तो उससे कोई लड़ाई नहीं। तो कस्टमर आपको अच्छा जानता है या आपको अच्छा समझता है इसीलिए आपसे लड़ना चाहता है। अगर लड़ना चाहता तो आपका भी स्वभाव ये बनता है कि जो उसकी कमी है उस कमी को दूर करके दे दें और अच्छी तरीके से काम करके दें ताकि उसको कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। तो कैलाश जी, मेरी तरफ से आप लोग के लिए बहुत सारी विशेष हैं, आप मेरे पास आए हैं, अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी सारे ट्रेनिंग स्टूडेंट के लिए जो लोग सीखने आए हैं या जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख करके जाएंगे, तो हम सब लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक जब मैच होता ना, तो मैच में से कभी कोई आज तक जिंदगी में ऐसा मैच नहीं हुआ है जो आदमी एक आदमी खेले, क्या खेले, एक आदमी खेले। अगर चेस खेलता है तो भी 2 आदमी बैठते हैं, अकेले वो भी नहीं खेलता। आदमी लूडो खेलता है तब भी अकेले नहीं खेलता, उसमें भी 2 को बैठाता है। 4 खेलने का बना होता है लेकिन फिर भी 2 को बिठाता है, कहते तुम भी खेलो मेरे साथ। तो मतलब हमेशा जब कोई भी काम होता है तो टीम वर्क से काम होता है। टीम वर्क का मतलब होता है हम लोग जब 10 लोग 15 लोग 20 लोग इकट्ठे हुए हैं, तो 10 लोग 15 लोग 20 लोग इकट्ठे होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई किसी को सीखने में कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप एक दूसरे की मदद करें। यहाँ पर मदद जो होती है एक ही तरीके से नहीं होती, मदद 5 तरीके से होती है। कैसे मदद होती है, हो सकता है कि कोई चीज़ किसी को न समझ में आ रही हो, तो अगर आपको जानकारी है तो आप उसको अपनी जानकारी दें, इससे क्या होगा तुम भी मजबूत होगे, वो भी मजबूत होगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, कोई भी आदमी जब काम सीखने के लिए जाता है तो होपलेस होने लगता है। क्या होपलेस होने लगता है कि जब काम सीखने के लिए आता है तो कहता है मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, माहौल नहीं अच्छा लग रहा है, इसका भविष्य है कि नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। तो जब हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं भाई आप पहले सीखो, अच्छी तरीके से काम करो, कोई दिक्कत आती है सर मदद करेंगे, ये मदद करेंगे हम, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम कल को बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब होता है, कहते नहीं कि एक आदमी जब दुनिया जान में ऐसे ही कोई ख़त्म हो जाता है तब भी उसको 4 आदमी साथ देते हैं और उसके साथ में 20-25 आदमी लोग अपने काम धंधे को छोड़ करके उसके पीछे चल देते हैं। क्यों चल देते हैं, इसलिए चल देते हैं कि उसका आखिरी समय, इसलिए नहीं अपना समय जो है इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये बात दिखाई जाती है, यहाँ पर एक दर्शाया जाता है कि हम सारे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग सब मिल के खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, मिल के खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो सीखने के लिए आए हैं, तो सीखने का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, ताकि एक दूसरे को कोई परेशानी सीखने संबंधित नहीं होनी चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल करके काम करें। ठीक, दूसरी बात, तो इसी तरीके से सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज से पहले मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पास 6 महीने पहले एक मेरे पास अनिल करके स्टूडेंट था, अनिल, और आज उसकी बिल्हौर में शायद दुकान है, और उसने 2 दिन क्लास किया। 2 दिन क्लास करने के बाद वो रोने लगा कि नहीं सर मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम नहीं सीखूंगा, मैं घर चला जाऊंगा। मैंने कहा क्यों घर चले जाओगे, कह सर नहीं हमको काम नहीं सीखना। हमने पूछा क्यों नहीं सीखना, कह रहे हमको सीखना ही नहीं, हमको घर जाना है। हमने कहा ठीक है, अगर घर चले जाओगे तो घर में क्या करोगे जा करके, कहते सर नहीं सीखना हमको। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने समझाया, बहुत सारी बातें कही, उसको नहीं समझ में आया, नहीं उसका मन किया। हमने कहा ठीक है अभी मत जाओ, तुम सुबह चले जाना, अभी रात में मत जाओ। वो रात में कमरे पर रुका,
कमरे पे सारे बच्चों ने जब उसको ऐसा देखा कि मूड ऑफ था, किसी से बात नहीं कर रहा था, सब लोगों ने उससे बात करी। बात करने के बाद एक हमारे पास शुभम करके एक स्टूडेंट थे और उनके बैच में संदीप थे, इमाम जी थे, ऑलरेडी काफ़ी सारे सीनियर जो ऑलरेडी जो का जैसे सर 10 साल की नौकरी छोड़ करके बहुत सारी परेशानियों को झेल करके आ जाए हैं। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो अनिल भाई, तुम भी अगर इतने दिन काम कर रहे हो, काम करने पर छोड़ने पर काम सीखने के लिए आओ, हम लोग भी काम सीखने के लिए ही आए हैं और सीख करके ही जाएंगे, और अगर तुमको कोई परेशानी आती है तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा सीखो एक दूसरे के साथ में। उन्होंने रात में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट किया, एक दूसरे को समझाया। हॉस्टल में जितने सारे बच्चे रहते थे, वो बंदा अगले दिन ही क्लास में जब सुबह मॉर्निंग में आया, बैग लेकर के अपना क्लास करने लगा, तो हमने बोला तुम घर नहीं जाओगे? कहता नहीं सर, हम घर नहीं जाएंगे, मेरा मन बदल गया। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहता सर नहीं जाएंगे, घर नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसका रीजन क्या था? ऐसा नहीं कि ऊपर से किसी ने तथास्त कर दिया या किसी ने कर दिया हो, सिर्फ क्या हुआ, सब लोगों ने एक दूसरे को समझाया। क्या किया? समझाया। समझाने का मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने समझाया तो समझाने के बाद फिर उनको अच्छा लगा, फिर अपना पूरा कोर्स करता रहा। आज उसकी मोबाइल फोन की दुकान है, इतनी दुकान है कि पूरा दिन रिपेयरिंग करता लेकिन फिर भी काम नहीं खत्म कर पाता। कहाँ पर 300 रुपए की नौकरी करता था नोएडा जैसे जा करके, और आज अपने दुकान खोल करके कम से कम 1000-2000 रुपए का रोज काम करता है। कभी आएगा तो मैं मिलाऊंगा उससे, सामान लेने आता है, कभी कुछ पूछने नहीं आता, सामान लेने आता, सामान ले जाता है, फोन अपना ठीक करता है, जो बनाना होता है यहाँ बना लेता, नहीं अपना वहीं जाकर बनाता है। और जब ज्यादा फोन ले आता तो बच्चों को देता है, ये काम करो तुम लोग, प्रैक्टिकल कर डालो, मोबाइल फोन बना डालो, उसके फोन बन जाते हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के चला जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का मतलब होता है कि हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। आज वहां पर बच्चे ने, सब लोगों ने मिलकर के उसका सपोर्ट किया। हो सकता था उसका मन करता घर छोड़कर चला जाता, लेकिन सब लोगों ने जब उसका मिलकर के सपोर्ट किया तो आज उसके भविष्य के लिए कितना अच्छा हुआ। तो मेरा यह समझाने का मतलब है, क्योंकि हम सर इस लाइन में कम से कम 17 साल हो गए, इस लाइन में ट्रेनिंग देते रहते, आज सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, बच्चों को हंसते हुए भी देखा है, बच्चों को रोते हुए देखा है, अपनी जिंदगी से उनको परेशान होते हुए भी देखा है। लेकिन उस परेशानी से जब हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो आगे निकल जाएंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात, ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप जिंदगी में अगर किसी के लिए खड़े हो तो ये समझ रखना कि वही परेशानी कल को तुम्हारे पास भी आएगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, जहां से घूमती फिर वहीं आके खड़ी हो जाती है। तो वो परेशानी तुम्हारे साथ भी आएगी। अगर वो परेशानी तुम्हारे साथ आएगी तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा मिलेगा, क्योंकि अगर तुम किसी की मदद करते हो तो कोई तुम्हारी भी मदद करेगा, अगर तुम नहीं किसी की करोगे तो तुम्हारी कौन करेगा। तो इसीलिए रहता है कि हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। दुनिया जानने हम लाखों लोगों को नहीं जानते, लेकिन जितने लोगों को जानते हैं उतने लोगों को अच्छे से सपोर्ट करिए, अच्छी तरीके से काम करिए। क्यों? जब आप अच्छी तरीके से काम करेंगे तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप समाज में, मार्केट में, अपने बिजनेस में, अपने काम में 100% सफल होंगे। आपको कभी कोई नहीं फेल कर सकता, किसी माई गलाल के दम नहीं जो आपको फेल कर दे, ठीक है? और ठीक सर, और हमारे पास, मैं आपको मिलाना चाहता हूं, मैं आपको रफीक जी से मिलाना चाहता हूं। रफीक जी आप आइए। सर भी देखिए सीनियर पर्सन है और इतने साल से टेक्निकल लाइन से या किसी और भी लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस लाइन से जुड़ने के बाद भी इन्होंने, सर ने सोचा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सर से मेरी बात हुई, बात होने के बाद कोई सर के साथ में एक लोग थे, वो शायद बाहर सऊदी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे देखिए, अच्छा, तो सर के एक रिलेटिव थे बाहर जा रहे थे, तो वो बाहर चले गए। फिर सर ने सोचा कि हम अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स को कम्प्लीट करेंगे, अपना काम करेंगे। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते थे पहले और आपने कोर्स सीखने के लिए क्यों सोचा, ताकि और भी ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में डाउट्स होता है तो अपने डाउट्स को क्लियर करें और सीखने के लिए रेडी हों। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं श्रावस्ती ज़िला के भिंगा तहसील से, मैं हूँ गांव खेड़ा इलाका है मेरा। और मैं इससे पहले इंडिया में, तो जिस हिसाब से मेरी पढ़ाई हुई, अरबी लाइन से पढ़ाई हुई, तो मैं काफ़ी दिन तक, मैं 5-6 साल तक रहा वहाँ पर, मैं अपनी लाइन से काम किया। और फिर उसके बाद मैं सऊदी में भी 2 साल रहा, फिर वहाँ से आया करके रेडियो मैंने काफ़ी देखा, और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मोबाइल के कुछ काम ऐसे ही कर सकता हूँ बिना जाए या बिना कुछ देखे, मोबाइल देखे, यूट्यूब के वीडियो देखे।
तो मैंने कुछ ट्राई किए, कुछ टूल्स भी मैंने खरीदे, जैसे हॉट गन है, आयरन है और सेपरेटर है, ये सब मैंने खरीद रखे हैं। लैपटॉप तो है पहले से ऑलरेडी, लेकिन वो काम मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं टाके नहीं लग रहा था, एक मैं टाका लगाने की एक रात बहुत कोशिश किया, मुझसे टाका नहीं लगा। फिर मैंने सोचा ये बिना कोई चीज़ मतलब जाए और वहाँ पर बिना प्रैक्टिकल किए कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बिना सीखे कोर्स किए कुछ हो नहीं सकता है, आप अपनी मर्जी से करते रहेंगे, एक सही भी होगा तो दो टूटेंगे। फिर पता चलेगा 100 कमाने की नियत से मेरा ही 500 जा रहा है। तो ये सारी बातें सोचकर फिर मैंने एक प्लान बनाया कि जा करके मैं पूरी ट्रेनिंग करके आऊँ, क्लास पूरा करके आऊँगा और फिर साथ में मोबाइल का काम, क्योंकि मोबाइल का काम ऐसा है वो हमेशा चलता रहेगा, वो बंद होने वाली चीज़ है नहीं। बहुत सारे काम हैं जो कभी कुछ दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये मोबाइल ऐसी है कि घर में अगर 10 लोग हैं तो 15 मोबाइलें मिलेंगी। तो इसलिए ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये सीख लेंगे तो ये काम कभी बंद नहीं होगा। और आज मैं अगर सीख जाऊँगा तो हो सकता है कि आने वाले बच्चे भी उससे सीखते भी रहेंगे और ये काम चलता रहेगा हमेशा के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ जो चीज़ सर समझा रहे हैं, हमारे मोहित सर जी हैं और अमित सर हैं, तो ये सब लोगों का कोऑपरेट जो हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है और मेरे तो भाई समझ में आ रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी उस चीज़ को समझें, अगर ना समझ में आए तो एक दूसरे से पूछकर उस बात को अपने दिमाग में रखें और इंशाल्लाह सब लोग कामयाब होंगे। तो इसी तरीके से जो भी सारे स्टूडेंट हैं सब लोग मेरे पास आज सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, आशीष आप आइए। हाँ हाँ, अब देखो सर, मैं आप लोगों से मिलाने का मतलब क्या है, मेरा मिलाने का मतलब क्या है कि सर जैसे आज आप मार्केट में काम कर रहे हैं, जो आपके अंदर परेशानी फेस करनी पड़ी है, ये सारी परेशानी, क्योंकि देखो सर मैं 17 साल से क्लास करा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन करने के बाद मैं उनको वाक्य में बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, जो आज ऐसे लोग हैं कि जो लोग किसी और लाइन से काम कर रहे थे, उस लाइन में थोड़ा सा काम कम हुआ है और काम कम होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि काम खत्म नहीं हो, काम चल रहा है, लेकिन बस ये रहता है कि हमारे पास पूरा काम पर्याप्त काम नहीं, इस टाइम पे काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जबरदस्ती किसी का एसी ठीक करेंगे जाके, कोई आपको बुलाएगा सर्विस के लिए तभी है ना। तो अगर उस सर्विस वाला बंदा होता है, सर्विस वाले बंदे को कभी 24 घंटे फ्री नहीं रहना चाहिए। अगर 24 घंटे फ्री है तो इसका मतलब विकास, अगर 24 घंटे फ्री नहीं है तो उसके लिए काम ही काम है। जब काम ही काम है तो उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप अपने बारे में बताइए, आपने कोर्स क्यों मेरे पास ज्वाइन किया और इससे पहले क्या करते थे, ताकि आपके जैसे और भी लोग हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए फेस्टिवल की तरफ। सबसे पहले मैं सर जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर जी धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के मलबा ब्लॉक से हूँ। आज से सर जी मैं कम से कम 10 साल पहले 2014 से सर जी मैं स्टूडियो काम कर रहा हूँ, बट लेकिन कर जो है दूसरे के पास कर रहा था तो वही 400-500 मिल जाता था और महीने में ज़्यादा ज़्यादा जो है 4 से 5 प्रोग्राम खींचने को मिलते थे, तो खर्चा बस चलता था, बाकी इनकम कुछ नहीं थी। वो आया इधर से आया उधर से चला गया, जैसे ही आता था वैसे जो है खर्च हो जाता था, वो समझ में नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि जो है फिर हाल ही में दिमाग बदला कि मैं सोचा कि जो है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करूँ। फिर सर जी से हमने जो है गूगल मैप से नंबर मिला सर जी का, फिर बात की सर जी से, तो फिर एक दिन टाइम लगा के सर जी से मुलाकात की, तभी एडमिशन लिया। अभी सर जी कुछ ही देर पहले जो है एक बात कही है कि पृथ्वी गोल है, तो हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपको भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई ना कोई आपको मदद जो है कोई ना कोई आपको मदद करेगा ज़रूर, ये बिल्कुल सत्य है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो है। तो सर ने देखो 10 साल इस लाइन में बिताया, 10 साल लाइन बिताने के बाद 300-400 रुपये कमाते थे। 300-400 क्या होता है, आदमी का जनरली खर्चा भी होता है, वो जैसे कमाते थे वैसे खर्च हो जाते थे।
लेकिन कम से कम आदमी को इतनी इनकम होनी चाहिए कि अच्छी तरीके से काम कर सके और मार्केट में काम कर सके, अपने लिए भी काम कर सके और ताकि अपने फैमिली के लिए काम कर सके, है ना। तो इसीलिए क्या है कि सर ने 10 साल काम करने के बाद समस्या इस बात की नहीं आती थी कि मेहनत करने में कोई कमी हो, समस्या ऐसा नहीं था कि ये मेहनती नहीं है, समस्या ऐसी नहीं कि करना नहीं चाहते, बस कमी इस बात की थी कि हमारे हाथ में थोड़ी सी कमी होने के कारण से हमको काम नहीं मिल पाता। काम क्या नहीं मिल पाता, जो काम था वही काम करते थे, कोई हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं था। मोबाइल फ़ोन आजकल के समय पर देखा जाए तो ऐसा कोई आदमी नहीं जो मोबाइल फ़ोन ना हो, हर एक आदमी मोबाइल फ़ोन पर डिपेंड हो रहा है, मोबाइल फ़ोन हर एक सेक्टर में धीरे धीरे करके घुसता हुआ जा रहा है, हर एक चीज़ की एप्लीकेशन बनती जा रही है जो मोबाइल फ़ोन में आती जा रही है। यहाँ तक कि पहले आदमी पैसे के लिए इतनी किल्लत होती थी, आज पैसा उसके मोबाइल फ़ोन में पड़ा है, फट से 20 रुपये भी देना चाहता है तो मुझे लगता है जेब में 10 रुपये खुले को नहीं होते, वो भी फ़ोन पे पेटीएम कर देता है। क्यों कर देता है? इसलिए कर देता है क्योंकि आज हमारा टाइम बदल गया है, और वो कैसे कर रहा है, वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही कर रहा है। अगर समाज में देखा जाए तो हर एक चीज़ टोटली जो बेस्ट डिपेंड होने वाली है वो इंटरनेट पर डिपेंड होने वाली है, सब चीज़ इंटरनेट पर जारी है, और इंटरनेट सिर्फ एक ही जगह पर बढ़िया चल रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर में भी चल रहा है, लेकिन कंप्यूटर में चलने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए और भी साधन हमको जुटाने पड़ते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि इसमें कोई साधन नहीं जुटाने पड़ते, सब चीज़ें खुद ही ढूंढ लाता है। और इतने सारे सपोर्ट, इतने सारे फीचर हैं जो हमारे इसके अंदर आ गए हैं, जो हमको कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को, हमारे तरक्की को, हमारे बढ़ने के रास्ते को बहुत सारे हमारे आसान बनाते हैं। तो सर ने जैसा 10 साल के बाद सोचा हुआ है, तो इसमें से आप भी बहुत ऐसे लोग, ये हो रही है कि सर हम बस वहीं पर घूम रहे हैं, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का हमको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप थोड़ा सा हमको रास्ता दिखाएं ताकि हम अच्छी तरीके से काम कर पाएं। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी से, जिनकी आ जाइए, इनकी सर की आगरा में ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान थी। इन्होंने मेरे पास सीखने का प्लान ऐसे बनाया कि हमारे से पहले एक लड़का था, वो सीख कर गया था, सर की दुकान में काम करता था, फिर उसने से आज उसने अपनी मोबाइल फ़ोन की दुकान खुद खोल ली है। तो लगा कि अगर हम भी अगर सीख लें तो हम भी अपना काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम ऑलरेडी पहले से जानते थे, अब इनके पास सॉफ्टवेयर भी है, बोर्नियो सॉफ्टवेयर भी लिया है, सीखने के लिए उन्होंने अपना लैपटॉप भी खरीदा, क्योंकि दुकान तो पहले से थी लेकिन उसमें कुछ ऐसे काम की चीज़ें थी तो नहीं थी, इन्होंने बोर्नियो लिया, उसके लिए लैपटॉप लिया, पूरे सर्किट सिमेटिक को अच्छे से पढ़ा, पूरे हार्डवेयर को पढ़ा, रिपेयरिंग को समझा, अनलॉक टूल वगैरह हैं, डोंगल वगैरह हैं, वो ऑलरेडी पहले से ले रखे हैं, उसके माध्यम से काम करते थे, लेकिन लड़का छोड़ के चला गया तो वो सारी चीज़ें रखी हैं लेकिन काम नहीं करते। वो काम तभी करेंगे जब आपको नॉलेज होगी। तो सर आप बताइए ज़रा लोगों के बारे में ताकि लोग भी इस तरीके ट्रेनिंग लेके काम कर पाएँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मैंने मुझ पर पहले काम करना नहीं आता था, थोड़ा सा आता था, उससे हमको दिक्कत होती, कस्टमर भी हमको बोलते थे, फिर हमने सोचा कि हम सीख के आए सर से आगे, यहाँ सीखने आ गए। हाँ तो सर ने मतलब कस्टमर जो आते थे वो बोलते थे कि भाई आप काम नहीं कर पाते, कोई फ़ोन होता था कहीं और से बनवाते थे। अच्छा जो बंदा पहले काम करता था तो वो उन्होंने कितने दिन काम किया था आपके पास? 2 महीने किया था। 2 महीने काम किया था, जैसे 2 महीने काम किया तो 2 महीने के बाद कस्टमर आना चालू हो गए, क्योंकि फ़ोन ठीक होते थे, लोग ठीक करा के चले जाते थे। लेकिन जैसे कोई भी बंदा होता, एक बात और होती है, अगर आप किसी अपने आप किसी लड़के को रख लेते हो, किसी चीज़ को रख लेते हो, तो कोई भी आपको जब ड्रॉपआउट होकर के चला जाता तो आप फिर पहले जैसे हो जाते हो। तो आपके आपको भी कहीं ना कहीं नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब नॉलेज होगी तभी आप काम कर पाएंगे। आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, और पुष्पेंद्र का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, ये मेरे पास प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सुबह शाम तक जो डाउट्स होते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो सीखने के लिए आते हैं तो हम उनको 3 मोड में ट्रेनिंग देते हैं। पहला मोड होता है उनको सिखाते हैं, दूसरा उनको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उनके पास उनको कमी निकल के आती है, कुछ काम नहीं कर पाते, जब कुछ काम कर नहीं पाते तो हम उनसे बोलते हैं कि उस चीज़ को दोबारा सीखो, उस चीज़ को बार बार पूछो ताकि अच्छी तरीके से काम करें, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा आदमी नहीं बना है कि जिसको हाथ फेर दिया जाए तथा तो सब उसके दिमाग में घुस जाए, फोटोकॉपी की तरह चला जाए, उसको सीखना पड़ता है, सीखने में मेहनत करना पड़ता है, 10 बार किसी चीज़ को समझना पड़ता है, नहीं समझ में आती तो बार बार समझना पड़ता है। इसी तरीके से आप लोग भी इसी तरीके सीखेंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे जो भी आदमी आगे बढ़ेगा वो भी उसी तरीके से क्या रहेगा, सीख करेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास सारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग सीख करके जाते हैं। अब उदय आप बताइए जरा अपने बारे में सर। जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश से हूँ, और मेरा 12th 2012 में हो गया था, 10 साल हो गया है मुझे खेती देखते हुए और काम करते हुए, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्ट था टेक्निकल लाइन में, तो और बहुत सारे काम कर लेता हूँ,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मोबाइल रिपेयरिंग काम ऐसा है जो चलता ही रहेगा, तो मैंने फिर सर के पास आने का सोचा। मुझे अभी 15 से 17 दिन हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। और आपने दो मोबाइल फ़ोन भी बनाए और बाद में जब उन्होंने सीख लिया, उनको जानकारी मिली तो दो फोन उनको खेलते खेलते बना डाले। दो फोन मैंने बना, चलो उनको प्रैक्टिस करते 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 बना डाले। दो मोबाइल फ़ोन उनके बन गए, बढ़िया चलने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से मैं सारे स्टूडेंट लोग भी सीखते हैं, आप सीखते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, परेशान ना हो, अच्छी तरीके से काम करके करें। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मेरे पास दो लोग और भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने साथ में ज्वाइन किया हुआ है, और वो लोग ऑलरेडी वो भी पहले जॉब करते थे, जॉब करने के बाद फिर उन्होंने जॉब को अपना क्विट किया, एक साथ ही जॉब दोनों लोगों ने छोड़ा, और दोनों आपस में फैमिली में एक दूसरे के ब्रदर हैं, एक दूसरे के रिलेशन में हैं, और उन्होंने दोनों भाइयों ने जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के बाद अपना कोर्स सीखने का प्लान बनाया और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कम्प्लीट कोर्स सीख रहे हैं। इनको समथिंग एक हफ्ते हो गया। लो सर, दे दीजिए माइक, माइक दे दीजिए। पहले मैं सर को प्रणाम करूंगा और सभी सर लोगों को मेरा प्रणाम। तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग, हम लोग साथ में जॉब किए थे, और पहले सोच रहे थे कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमारे बाद जो हमारे भैया लोग पहले से ही अपना बिजनेस जमाए बैठे हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप लोग नौकरी ना करो, कोई बिजनेस करो। फिर हम लोगों को लगा नहीं, जॉब ज़्यादा बेटर है, सैलरी आती है एक अच्छी। फिर इसके बाद जॉब से रिजाइन हो गया हम लोगों का। फिर इसके बाद हम लोगों के पास कोई जॉब भी नहीं थी। जॉब ना होने के बाद हम सर का वीडियो देख रहे थे, तो हमने काफ़ी जगह देखा कि अपने कानपुर में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, बट जो फीस थी तो हम प्रेफर कर सकते थे। तो हम दोनों लोगों ने सर का वीडियो देखा, सर से बात हुई, सर का बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि हम उनसे मिलने आए, और मिले, हमने अपना एडमिशन कराया। अब सर के अंडर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और सभी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो मेरा सभी स्टूडेंट के लिए यही एक मैसेज आता है कि आप सब लोग अच्छी तरीके से सीख के काम करें। और मेरी ज़िंदगी का देखो, मेरी ज़िंदगी का लाइफ का एक ही मिशन है, मैं सुबह शाम तक बच्चों को क्लास कराता हूँ, मेरे पीछे भी फैमिली है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि मेरे लिए स्टूडेंट्स है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, ताकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया जान में एक बेरोजगारी एक ऐसी सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी जो समस्या है वो सबसे बड़ी क्या समस्या है, आदमी बेरोजगार ये नहीं है कि आदमी बेरोजगार है, आदमी बेरोजगार तीन चीज़ों से है। किस चीज़ से बेरोजगार है? उसको काम नहीं मिल पा रहा है, पहली बात तो इसलिए बेरोजगार है। दूसरी बात, वो इसलिए बेरोजगार है क्योंकि वो शिक्षा नहीं है उसके साथ में, पढ़ाई नहीं कर पाया है, मतलब कारण तो बहुत हैं लेकिन उसने पढ़ नहीं पाया। हो सकता है कि उसके फैमिली में पैसा ना हो सकता है कि उसके घर में ऐसा कोई माहौल हो गया हो जब पैसे ना हो, या हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई हो जिस कारण से वो पढ़ ना पाया हो। आज बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सर जी पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे छोटे छोटे थे तभी पेरेंट्स नहीं हैं, वो लाइफ में वो सीखना तो बहुत चाहते थे लेकिन उनको सिखाने वाला नहीं। कहते नहीं, जब तक हम भी ज़िंदगी में स्कूल तभी गए जब हमको कोई हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने गया, अगर हमको हाथ पकड़ के कोई स्कूल छोड़ने नहीं जाता तो हम शायद, मुझे लगता है कि हम कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं जाते। तो हमको कोई जब स्कूल तक छोड़ने गया तभी हम स्कूल गए, तभी हम सारी चीज़ें पढ़ाई की, तभी सारी चीज़ें हासिल करी। तो आज मैं आपको बताऊँ, बहुत ऐसे लोग होते हैं जब लाइफ में ऐसी हो जाती है किसी कारण वो शिक्षा नहीं हासिल कर पाते हैं। या तीसरी कंडीशन होती है कि हम लोग एजुकेशन तो बहुत हासिल कर लिया लेकिन उसके बाद भी जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, अगर 100 लोग जाते हैं तो 100 में से 2% लोगों को काम मिलता है। अगर दुनिया में 2 अरब आबादी है तो 2 खरब आबादी में थोड़ी ना 1 खरब भी आदमी नहीं काम कर रहा है, उसमें से 10% आदमी भी सरकारी नौकरी पे नहीं है, सारा आदमी नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि भाई कभी भी कोई भी जॉब होती है, जॉब का मतलब क्या होता है कि 1000 आदमी पे एक आदमी, 1000 आदमी पे एक आदमी, ऐसा कैलकुलेशन चलता है। कि मतलब कोई भी है, अगर आपके यहाँ पर सरकारी डॉक्टर भी दिया जाएगा
तो जहाँ पर 1000 लोगों की आबादी जहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर एक डॉक्टर दिया जाएगा। 1000 आदमी एक दिन में थोड़ी ना आएगा, 10-10, 20-20, 5-5 करके आता रहेगा, देखता रहेगा, वो 1000 लोगों को देख डालेगा महीने भर में। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि हमको जो जॉब मिलती है तो 1000 लोगों में से कहीं एक आदमी को नौकरी मिलती है। अब उसमें से जितने 999 आदमी हैं वो आदमी क्या है, वो प्राइवेट बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार होने का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में सजी आप तभी जॉब कर सकते हैं जब आपके हाथ में हुनर हो। क्योंकि कहीं भी आप जब काम करने जाएंगे, अपना काम करेंगे, किसी के पास जाएंगे तो सबसे पहली बात यही बोलेगा कि तुमको क्या काम आता है, ऐसा क्या काम है जो तुम कर लेते हो बहुत अच्छी तरीके से वो भी। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाता तो फिर एक ही काम है कि सामान इधर उधर करो, झाड़ू पोछा करो, मजदूरी वाला काम करो, वो भी सब मजदूरों को भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। कहते घर बनाने के लिए अगर 5 मजदूर ले आओगे, बिल्कुल बुद्धि के बैल हैं, 5 मजदूर उठा लाए, लेकिन उसमें से एक मिस्त्री अगर नहीं लाए तो भी घर नहीं बनेगा। क्योंकि 5वें मजदूरों को काम पे कौन लगाएगा, मिस्त्री तो लगाएगा, क्योंकि वही घर बनाएगा तभी तो 5 काम करेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, घर बेकार है। हमारा जो आदमी होता है जो घर बनवाता है उसको मतलब इस बात से होता है घर बन जाए, इस बात का मतलब नहीं कि मिस्त्री बनाए कि वो बनाए, लेकिन आदमी को यह भी पता होता है कि मजदूर नहीं बनाएंगे, बनाएगा मिस्त्री, लेकिन उन 5ों की मदद से। तो इसीलिए क्या होता है कि आगे काम करने के लिए वही आदमी काम करता है जिसके हाथ में क्या होता है, हुनर होता है। अगर हुनर है तो मुझे लगता है जिंदगी में कभी आदमी फेल नहीं हो रहा। तो इनमें से ये बहुत ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आदमी समाज में मार्केट में काम करते समय फेल हो जाता है। जब फेल हो जाता है तो उसको लगता है क्या किया जाए, तो वो अपने हाथ में हुनर सीख सकता है। हुनर में क्या होता है, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिकेट है, या और भी कोई चीज़ है, प्लेइंग की चीज़ें हैं, या अपना जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये टेक्निकली शिक्षा है, ये अपना एक हुनर में आता है। अगर हमारे हाथ में हुनर होता है तो हम अपने गट्स के पैसे मांगते हैं, अपनी क्वालिटी के पैसे मांगते हैं कि भैया देखो इस मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर डल जाएगा, इसका डलने का 100 रुपये लगेगा। अब ये नहीं वो पूछेगा चार्जिंग कनेक्टर लिख के दो। आज भी मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलो चार्जिंग कनेक्टर लिख दो तो चार्जिंग कनेक्टर नहीं लिख पाते, लेकिन मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग कनेक्टर डाल देते हैं, एप्पल के फ़ोन में भी चार्जिंग कनेक्टर डाल देते हैं। चार्जिंग कनेक्टर का पूरा स्पेलिंग बोलते हैं तो नहीं लिख पाते, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर डाल के 100 रुपये लेने के हकदार हैं। लेकिन आज बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो चार्जिंग कनेक्टर को 10 भाषाओं में लिख सकते हैं लेकिन फिर भी 100 रुपये लेने के हकदार नहीं है। क्यों नहीं हकदार है, स्किल नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी तभी आपको पैसा देगा जब आप काम करके देंगे, अगर काम करके नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं देगा। तो इसीलिए सर ये है कि हमारे हाथ में हुनर होना चाहिए। इसीलिए सर मेरा सबसे बड़ा मिशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हुनर दे सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में स्किल को जनरेट कर सकूँ, ताकि लोगों के हाथ में बेरोजगारी किसी न किसी कारण बस दूर हो जाए। अगर आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन अपने हाथ में एक हुनर ज़रूर रखें, क्योंकि हुनर आदमी को हमेशा तरक्की के रास्ते पर ले जाता है, हमेशा आदमी बढ़ने के रास्ते पर ले जाता है और आगे आदमी लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी बात क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका टेक्निकल क्षेत्र में रुझान है। आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक ऐसे गुजरात के सर हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट जॉब पे थे, लेकिन उन्होंने रिटायर होने के बाद भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखा। अब क्यों सीखा, क्योंकि उनको एक हॉबी था। अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अगर टेक्निकल लाइन की अगर आप बात करते हैं तो जो सब लोगों ने हैवेल्स कंपनी का नाम सुना होगा, हैवेल्स कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अब मुझे लगता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या होम अप्लायंस हैं, इसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती, इतने अच्छे प्रोडक्ट है जिसके जवाब नहीं। अगर आप मोबाइल, अगर आप कोई प्रेस खरीदना चाहते हैं तो आप बोलेंगे भाई हैवेल्स का प्रेस है तुम्हारे पास, क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं भाई बहुत अच्छा होता है। कोई भी मोटर अगर लेने जाते हैं तब भी कहते हैं तुम्हारे पास हैवेल्स का है। अब सर मैं उनकी बात करता हूँ, वो टेक्निकल थे, आप कभी यूट्यूब में देख लेना, उनका यूट्यूब में स्टोरी है, मैं भी उनसे बहुत अच्छा इंस्पायर हूँ, और YouTube में उनका स्टोरी भी है कि वो हैवेल्स की जितनी सारी कंपनी थी वो ऑलरेडी एक टीचर थे, टीचर होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी करते रहते थे। उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान थी, मतलब जो होम अप्लायंस का जो सामान वामान बनाते थे, उस बंदे ने क्या किया, सामान दुकान बंद कर दी। जब दुकान बंद कर दिया तो दुकान बंद करे उन्होंने चांदनी चौक में, दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने चांदनी चौक में उस दुकान से जब उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये दुकान हमको दे दो, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, हमसे पैसे ले लो, हमको दे दो, हमारा शौक पूरा हो जाएगा।
क्या शौक पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, मैं इस चीजों को बनाना चाहता हूँ, लोगों को देना चाहता हूँ, ऐसी मजबूत चीज देना चाहता हूँ कि आदमी ये बोले कि भाई ये तो बहुत आदमी, ये बहुत टिकाऊ चीज है। तो उन्होंने होम अप्लायंस से संबंधित बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, इतने सारे प्रोडक्ट बनाए, समझ लीजिए 60 साल में आदमी रिटायर होता है, 60-65 साल की उम्र में रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद हैवेल्स कंपनी को खड़ा कर दिया। सिर्फ कह रहे हैं जितनी जिंदगी में मैंने, उन्होंने टीचर बन के उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उतना हैवेल्स कंपनी को खड़ा करके आज वो पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चे भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शौक को पूरा किया। इसको पूरा किया, शौक को पैसा पूरा किया। अगर आदमी नौकरी करता है तो सिर्फ 8 घंटे नौकरी करता है, वो भी मुसीबत काटने जाता है, लेकिन जब आदमी शौक पूरा करता है तो उसके लिए पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी उम्र लगा देता है, पूरा समय लगा देता है, पूरा दिन लगा देता है, वहाँ पर घंटे महीने मिनट समय नहीं दिखता, दिन रात नहीं दिखता, सिर्फ क्या दिखता है, उसका शौक पूरा होना चाहिए। इसीलिए आदमी को शौक ही तो होता है कि आदमी किसी भी 5-स्टार होटल में जाता है और 500 रुपए की चाय पीता, कहते चाय है 500 रुपए की, सिर्फ इसलिए कि शौक है उसका, क्योंकि शौक पैशन जुनून में कोई भी चीज मायने नहीं रखती। क्यों नहीं मायने रखती? क्योंकि उसकी खुद की दिली इच्छा है। अब हमारी दिली इच्छा है तो कोई भी चीज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, सब चीज मेरे लिए बेकार है। तो उन्होंने इतनी बड़ी एज में होकर के हैवेल्स कंपनी की स्थापना करी, आज वो कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे सब जगह पर, पूरे इंडिया पे, तो छोड़ो बाहर भी होम अप्लायंस के सामान को बेचती, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो आप कभी भी फ्री हो तो हैवेल्स के बारे में स्टोरी देखिएगा, उनकी स्टोरी यूट्यूब में तुमको मिल जाएगी। या बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने पैशन जुनून को पूरा करने के चक्कर में बहुत सारे काम कर दिए। सिर्फ क्यों काम कर दिए? क्योंकि उनके दिमाग में जुनून था। क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, पागली तो आदमी इतिहास रचता है, बाकी तो काम तो सब करते रहते हैं। तो हम लोग क्या है, जब भी काम करेंगे तो हम अपने काम के प्रति, हमारे इतना पागलपन होना चाहिए कि हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आदमी काम करते समय ये मायने नहीं रखता कि उस काम को करने के कितने पैसे मिलेंगे। अगर हम इस काम को 10 रुपये मिलेंगे तो ही काम करेंगे, नहीं, हम काम करेंगे, उस काम को पूरा करके देंगे, पैसे मिले चाहे ना मिले बात मायने नहीं रखता। बस ये मायने जरूर रखता है कि हमारी जेब का नहीं जाना चाहिए। अगर हमने 5 रुपये का चार्जिंग कनेक्टर है तो घर से नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा आदमी दुखी होकर के नहीं जाना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से काम करके दें और सफलतापूर्वक आप लोग काम करें। तो मैंने सर हैवेल्स के जो सर हैं उनके मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत उनके एक बार मैं मिल के भी आया था, चांदनी चौक में बहुत बड़ी दुकान है उनकी। तो उन्होंने इतने बड़ी उम्र में जा करके स्थापना करी, क्यों करी? क्योंकि उनका शौक था। जॉब छोड़ने के बाद वो दुकान इसलिए उन्होंने ली ताकि उनका शौक पूरा हो जाए। अब आज शौक तो छोड़ो, आज वो ऐसा शौक है कि सारी चीज़ें पूरी हो गई है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग जो ये काम सीखने के लिए, इसलिए आपकी इच्छा है, आपका शौक है, इसको जुनून बनाओ, इसको अच्छी तरीके से सीख करके जाना है ताकि सफलतापूर्वक बढ़िया तरीके से आप काम को कर सकें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी विशेष, आप अच्छी तरीके से काम करें, हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम करें। कभी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, तो एक दूसरे के साथ में शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प लें और खुद करें ताकि आप अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो आज की भी इतना ही, और सभी लोग 15 अगस्त को अच्छी तरीके से इंजॉय करें। थैंक यू।